नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट में लगातार आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो, सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया शेयर के बारे में कुछ अपना व्यू बताओ। तो दोस्तों देखो, जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करो, ठीक है। मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ, हर महीने इस स्टॉक के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नोटिफिकेशन क्लिक को ऑल कर लो, ठीक है, कि आप मिस ना कर सको अपॉर्चुनिटी। आपको जो चीजें यहाँ बताई जाती है आपके भले के लिए बताई जाती है, ठीक है। तो सिंकॉम फॉर्मुलेशन में अभी चलिए प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। अगर आपने स्टॉक को 3 में बाई किया है तो होल्ड करो, 6 में बाई किया है तो होल्ड करो, 15-16 में बाई किया जिसकी सजेस्ट मैंने आज तक आपको कभी नहीं करी, बल्कि मैंने आपको 18 रुपए के प्राइस जब ट्रेड करा तो ये बोला था कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लो, क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफी पंप हो चुका है। अगर आपने वो बात नहीं समझी, नहीं सुनी, तो आज आपको डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। इसलिए तो कहता हूं, मैं सिर्फ यहां पर बातें नहीं करता हूं, कुछ लॉजिकल तरीके बताता हूं कि स्टॉक से आपको क्यों दूरी बना के रखनी है, ठीक है। अगर वो तरीके फॉलो कर लोगे, सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं करना वो तरीका फॉलो, दूसरे स्टॉक्स में अप्लाई करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक चीज मैटर करती है, प्राइस, ठीक है। सस्ता महंगा वो आपको पता है, 3 से 18 हो गया। अब बताओ 3 से 18 चीज हो जाती है सस्ता महंगा है, सिंपल सी बात है भाई। अभी एक साल के अंदर सस्ता है नहीं, महंगा है, ठीक है। दूसरी चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम डज मैटर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि स्टॉक में बाय सेल कितने लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कितने लोगों का है। अगर आपको वॉल्यूम रीड करना आता है तो आप ये भी पता कर सकते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसलिए तो कहता हूँ वीडियोस को देखा करो, सुना करो, सिर्फ स्टॉक का नाम जानने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है सर। तो दिखा देता हूँ आपको एक बार, देख सकते हो सिंकॉम फॉर्मेशन जो अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, मैं आपको दिखला देता हूँ। 11.75 रुपये ट्रेड कर रहा है, स्टॉक लग रहा है नीचे गिर रहा है, देख सकते हो ये रहा। एंड आई थिंक यहाँ कहीं मैंने इसके वीडियो बनाया था, क्योंकि हर महीने मैं वीडियो कवर करता हूँ। और देखो पैटर्न, देखो आप पैटर्न समझो, ठीक है। ये पैटर्न, ये जो रेंज बनी थी, ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग रेंज बोला जाता है, क्योंकि स्टॉक का पैटर्न समझो, ठीक है। कोई स्टॉक ऐसे जा रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये बोलते हैं हाई राइज का पैटर्न, ठीक है। इसमें स्टॉक को आप एकुमुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो पैटर्न स्टॉक में बन रहा है इसको बोलते हैं लोअर लोस का पैटर्न, जहां स्टॉक में आपको बिकवाली करनी पड़ती है, बेचना पड़ता है, मतलब आपको स्टॉक को सेल करके चलना चाहिए। तो समझो भाई पैटर्न समझो, ये बेसिक पैटर्न है और इन्हीं पैटर्न के ऊपर मैं काम करता हूं। अब देखो स्टॉक का सपोर्ट जो बनता है, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बोला था, स्टॉक अगर आपको दोबारा 9 रुपये मिलता है तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, सोच सकते हो बाय करने की। अब स्टॉक दोबारा 9 रुपये के पास आने वाला है, पहले एक बार देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे आए। तो 57 करोड़ की सेल्स हुई है, सेल्स तो काफी अच्छी है। वहीं बात करते हैं प्रॉफिट, 4 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिया जो ठीक ठाक है, और दिसंबर 2020 में देखो 10 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मतलब कंपनी के प्रॉफिट क्या हुए, डिक्लाइन हुए, और स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर फंसाया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ देखो वॉल्यूम 16 लाख शेयर अभी भी लोग घर लेके जा रहे हैं, आई डोंट नो वाई बट लेके जा रहे हैं, ठीक है। 77% की डिलीवरी इंट्राडे में उठाई गई है स्टॉक में। अब आप बात करें चार्ट पैटर्न की, देखो चार्ट पैनल मैं खोल देता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको कि स्टॉक में कैसे क्या करना है। इन सबको हटा देता हूँ, ये आप लोगों के काम के लिए नहीं है, ट्रेडिंग पर्पस से है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। आप ये देखो, आप ये दो चीजें देखो आप, ठीक है। तो भाई देखो आप ये देखो पैटर्न, देखो आप मैंने क्या बोला, पैटर्न को फॉलो करो यार, पैटर्न को, ठीक है। देखो पैटर्न फॉलो करो, देखो पैटर्न देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये पैटर्न देखो, ऊपर सपोर्ट, ऊपर समझ गए। इस रेंज में स्टॉक को हमने बाई किया था, यहाँ एग्जिट किया, इस रेंज में बाई किया था, यहाँ एग्जिट किया, इस रेंज में बाई किया था, यहाँ एग्जिट किया। तो समझो पैटर्न, ठीक है। अभी ये पैटर्न है डाउन ट्रेंड का, तो अभी स्टॉक को आपको पिकवाली करनी चाहिए ना कि बाय करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिन लोगों ने स्टॉक को बहुत सस्ते में बाय किया है, मतलब मान के चलो आपने 3 रुपए में बाय किया है, मेरे दोस्तों लोगों ने बाय किया, मेरे पास पर्सनली स्टॉक की बहुत कम क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग की थी, मैं 3 से 6 में निकला था, फिर मैं दोबारा 6 से 12 में निकला था, ठीक है। फिर 12 से मैंने 18 नहीं किया, क्योंकि मुझे पर्सनली इसमें पैसा नहीं डाला था, मैंने सुजलॉन में पैसा डाला था फिर, ठीक है भाई, क्योंकि प्राइस डज मैटर ना, प्राइस मैटर करता है। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाना, कितने रुपए का, ये आपको जो कैंडल दिख रहा है ये 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे लॉन्ग टर्म का, और स्टॉक अगर आपको 9.70 रुपए मिलता है तो आप स्टॉक को बाय कर सकती हो। लेकिन ध्यान देना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है,
कभी भी नहीं करनी है, आपको वेट करना राइट अपॉर्चुनिटी का। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टॉक का सपोर्ट बन सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं कि बनेगा, सपोर्ट बन सकता है। अब सपोर्ट कैसे बनता है पहले वो समझो। सपोर्ट देखो ऐसे बनता है, ठीक है, सपोर्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट एक महीना या टाइम बिताए, अगर एक महीना टाइम बताता है तो देन यू कैन थिंक टू बाय दिस पेन स्टॉक, अदरवाइज इग्नोर करने में ही भलाई है। बाकी स्टॉप लॉस लगा लो 5 रुपए 80 पैसे का, 5 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। ये एसएल रहेगा, ये आपका बाय बाय प्राइस रहेगा 9.70। ये स्टॉक अगर यहाँ सपोर्ट लेता है देन ये स्टॉक डेफिनेटली दोबारा अपना जो लास्ट स्विंग तोड़ सकता है जो 17-18 रुपए निकल के आता है। लेकिन सपोर्ट लेने का तरीका क्या है, वहां कम से कम एक महीना तो बिता ले, एक महीना तो बिताने दो। ये थोड़ा ना कि उसी समय स्टॉक को आपको बाय करना, नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। 5 रुपए का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस जाएगा। जिन लोगों ने स्टॉक को 3 रुपए के लेवल से बाय किया है वो 5 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करेंगे अपने सिस्टम में। समझ आ गया सिंकम फॉर्मुलेशन इंडिया में आपको क्या करना है। आशा करता हूँ आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। साथ में देखो यहाँ श्योरिटी पैटर्न, यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी, 38% थी, फिर 41% करी और आज 41 से 44% दोबारा हो गई। तो यहाँ प्रमोटर्स लगातार रेज देयर बार, मतलब वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब अगर अगले 2-3 क्वार्टर्स में ये 44 से 60% की होल्डिंग हो जाती है तो चौंकना मत। मैंने ये बातें पुरानी वीडियोस में भी की थी कि 40% की होल्डिंग थी, अगर ये बढ़ जाती है तो चौंकना मत, ये चीजें होती रहती है। अगर ये बढ़ जाती है दोबारा से तो डेफिनेटली मैं खुद स्टॉक को दोबारा री एंट्री करूंगा, फ्रेश एंट्री करूंगा। लेकिन अभी के लिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक में आपको बेचना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड बोला जाता है इसको, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड नहीं बोला जाता। लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड तब होगा जब कंपनी के नंबर्स, देखो ईयरली नंबर्स आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड है, ये देखो नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं ये डिक्लाइन होना स्टार्ट करेंगे। अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने तो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ में डाउन ट्रेंड तब होता है जब वो मंथली कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम का ब्रेकडाउन करे। अब देखो यहाँ वॉल्यूम आपको दिख रहा है, यहाँ वॉल्यूम देखो कितना नैरो है, छोटा सा वॉल्यूम कैंडल बन रहा है, देखो कितना छोटा बना, लोग यहाँ बेच ही नहीं रहे, माल को नहीं बेच रहे, समझ गए। तो वॉल्यूम डज मैटर, बड़ा वॉल्यूम बनेगा तो हम सोचेंगे स्टॉक को एग्जिट करने की। देखो जैसे ये वॉल्यूम देखो यहाँ पर, देखो ये अच्छा खासा है वॉल्यूम बना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो अच्छा खासा वॉल्यूम बना और स्टॉक का प्राइस लगातार ऑलमोस्ट 2 रुपए से कहाँ तक गया, आपका 80 पैसे तक आया, ठीक है। तो अभी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीजें बताई है उसको आपको फॉलो करना है। और अगर आपने स्टॉक को 10 रुपए के ऊपर बाय किया है तो भाई वो दिक्कत है, 15 रुपए में बाय किया है तो यार बहुत महंगा बाय किया, क्यों किया मुझे आप ये बताना पहले, ठीक है। हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर चढ़ रहा हो डू नॉट चेज द स्टॉक, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मतलब स्टॉक को सस्ते में बाय करने का प्रयास किया करो। अगर ये सब चीजें करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बना पाओगे पेनी स्टॉक्स में या दूसरे अदर स्टॉक्स में। अगर नहीं करोगे तो आपको हमेशा महंगा प्राइस मिलेगा, महंगा स्टॉक मिलेगा। तब आप लोग बोलते नहीं हो कि यार जो भी स्टॉक मैं लेता हूँ वहां से यू टर्न क्यों ले लेता है, क्योंकि भाई आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं पता। आप स्टॉक को चेज करने का प्रयास करते हो ना कि एनालिसिस करते हो, एनालिसिस में बिलीव करो ना कि चेज करो स्टॉक को, ठीक है भाई। मेरे को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।